इन्होंने 40 फुट गहरी गंगा नदी में डूबते क्वाइट युवक को बचाया। क्वाइट 40 फुट बोलो डरने के बोलो बाद बोलो सच में हुआ क्या था उस दौरान मुझे बताइए। 24 मई को शाम को 5 बजे मैं रेसलर हूँ, मैं रनिंग करने गंगा नदी के किनारे गया हुआ जी था, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। मैंने देखा कि एक बस और काफी सारे लोग, मतलब 50-60 लोग रोड पे मतलब भाग रहे हैं, एक दो बस वगैरह भी रुकी हुई है। तो मैंने एक दो जनों से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि कोई डूब रहा है। तो मैंने देखा दो लड़के, बड़े लड़के 25 से 30 साल के अराउंड डूब रहे थे, दो लड़के। तो मैं जैसे पसीने आ रहे थे मेरे, मेरी टी शर्ट गीली थी, मैंने एकदम बस जूते उतारे और मैं एकदम 40 फुट नदी में कूद गया, जिससे मेरे दोनों घुटने के लिगामेंट भी स्ट्रेच हो गए और 3 महीने से रेसलिंग से बिल्कुल रेस्ट करना पड़ा। तो मैं पहले कूदा, मैंने एक आदमी को बचाया और फिर मैं इतने में दूसरा थोड़ा सा आगे गया था, मैंने भाग कर उसमें कूदा और उसका पीछा कर कर तैरते हुए नदी में उसे भी बाहर निकाला। क्योंकि वो अगर वो 100 मीटर और अगर आगे निकल जाता तो वो नदी अंडरग्राउंड हो जाती है, वो नदी वहां से अंडरग्राउंड हो जाती है गंगा नदी, और उसके ऊपर रोड है, फिर आदमी मतलब वैसे ही मर जाता है, उसमें सांस नहीं आती, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ओहो, और जब आप बाहर निकल के आए और सारे लोगों को आपने सुरक्षित निकाल लिया बस फिर तो लोग थे वो संभालने वाले, फिर तो सभी आ गए जब आ गए थे बाहर। पेरेंट्स को बताया कैसे पता चला होगा? पेरेंट्स को मैंने घर जाकर बताया था, पेरेंट्स घर पर ही थे, उन्हें जब तक कुछ नहीं पता था। लावांशु, आपको आप कुश्ती में मतलब हाँ।